मध्य प्रदेश में नाम बदलने वाली सियासत का चेहरा दिखना अब शुरू हो गया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने का ऐलान कर दिया और इसका प्रस्ताव भी केंद्र सरकार को भेजने का ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम। भैया देखो, जो जनता कहेगी वो मानो, तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। और इसी के साथ मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भरी सभा में होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम कर दिया। मौका भी खास था, होशंगाबाद में ही नर्मदा जयंती के मौके पर नर्मदा महोत्सव का कार्यक्रम आयोजित था। यहां सेठानी घाट पर नर्मदा के जल में बने मंच पर शिवराज सिंह चौहान ने पत्नी के साथ मां नर्मदा का पूजन किया। इसके बाद मंच से होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम करने की घोषणा कर दी। होशंगाबाद अच्छा लगता है क्या? होशंगाबाद कहना सब बताएं, आज अच्छा लगता है होशंगाबाद कहना, तो क्या कहना चाहिए? तो मध्य प्रदेश सरकार सर्वसम्मत प्रस्ताव भेज रही है कि होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम। भैया देखो, जो जनता कहेगी वो मानो, तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम रखा जाएगा। एक कहावत है कि नाम में क्या रखा है, तो जनाब हम कहेंगे कि नाम में ही तो सब कुछ रखा है। नाम में संस्कृति है, नाम में संस्कार है, नाम में सियासत है, नाम में उद्धार है, नाम पर संग्राम है। और शिवराज सरकार को लगता है कि वो नाम जो बदनाम करते हैं उन्हें बदल देना चाहिए। शहरों के नाम बदलने के पीछे हमारे राष्ट्रीय स्वाभिमान का जागरण है। गुरु नानक देव 500 साल पहले गुरु नानक टेकरी पर आए थे, तब वहां ईदगाह नहीं बनी थी, तो पहले गुरु नानक आए तो गुरु नानक टेकरी के नाम से वो स्थान जाना जाता था। गुरु नानक केवल सिख धर्मावलंबियों के नहीं बल्कि भारत के संपूर्ण जनों के वो जो है चिंतक थे, भगवान थे, ईश्वर के रूप में उनको देश ने पूजा है, माना है। होशंगाबाद का नाम बदलकर नर्मदापुरम किए जाने पर यहाँ के निवासी और आम जन भी बेहद खुश हैं। उन्हें लगता है कि इससे माँ नर्मदा की ख्याति बढ़ेगी और लोगों को इसकी महत्ता की जानकारी होगी। मुझे ऐसा लगता है ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छा कदम है, ताकि सबको पता चले कि नर्मदा माँ की क्या वैल्यू है और नर्मदा जी के कारण ही होशंगाबाद इतना पॉपुलर हो, तो वो मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया कदम है। नर्मदापुरम नाम बहुत बढ़िया रखा है शिवराज सिंह चौहान ने, बहुत ही अच्छा हुआ, बहुत खुशी हुई। जो नामकरण उन्होंने किया है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत अच्छा कदम है और ऐसा और आगे देखने मिले तो अच्छा है। कुछ लोग इसके विरुद्ध भी हैं, तो अपनी अपनी सोच है, जैसे जैसा मानना है, बट मेरी मेरी सोच यह है कि अच्छा कदम है। होशंगाबाद का नाम तो बदलने का प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को भेज रही है, लेकिन कई और भी नाम हैं जिन्हें बदलने के लिए बीजेपी नेताओं की तरफ से आवाजें उठती रही हैं। ईदगाह हिल्स, हलाली डैम, इकबाल मैदान, हबीबगंज रेलवे स्टेशन और बुरहानपुर के नाम भी बदलने के लिए सरकार के अंदर खाने से आवाज उठती रही है। नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद से जितेंद्र वर्मा के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।